वेलकम टू द चैनल गाइस, वेलकम टू द केबी अलायंस। सो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजा आएगा क्योंकि इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ अंडरस्टैंड भी करना है। तो लेकिन अब हम यहाँ सीखेंगे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन नीट में कैसे आता है। जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपके नीट एग्जाम में, 4 या 5 दिन और। तो मेक श्योर आप अपना मोमेंटम बनाए रखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो गाइस, बहुत सिंपल पेपर आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मोटिवेट रहना है खुद को, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे ही लंबी रेसेस जीती जाती हैं। और जब लास्ट मोमेंट चल रहा होता है, लास्ट लैप चल रहा होता है, उस रेस को जीतने का अलग ही मजा होता है, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम पे भी पीछे होता है तो लास्ट लैप पे पूरी ताकत लगा के रेस को जीता जाता है। तो मेक श्योर दिस इज योर लास्ट टाइम एंड मेक श्योर कि इस लैप को आपको अचीव करना है। तो आज मैं आपकी मदद करने वाला हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन से। माइसेल्फ डॉक्टर विवेक ड्यू। अगर इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड टू शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल। सो कमिंग अप टू नेक्स्ट, वी आर फ्रॉम केपी अलायंस। सो केपी इज बेसिकली वर्किंग फॉर योर ऑल सेटिस्फैक्ट्री स्माइल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। सो आज हम देखेंगे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है हमारे पास। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में नीट में बहुत अपने आप में एक प्रैक्टिकली सिनेरियो अभी लास्ट डिकेड से लेके आया है, और इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट भी है। कैसे स्पेक्स इंपॉर्टेंट है, हम एक एक चीज को आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर वन में सबसे पहले इतनी कोई इंपॉर्टेंट इमेजेस नहीं है, हाँ, लेकिन आपको एक केस दे रखा है, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट इज बी मेंशन बाय द एनसीईआरटी, जिसमें आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में दे रखा है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, दिस ऑल आर टू बी गिवन बाय द ऑन द बेसिस ऑफ इमेज। तो इसमें आपको किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट रहता है वो आप अंडरस्टैंड करो। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हो तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती हैं। ये काउंट एनसीईआरटी की लाइन पे है कि नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज्ड एज वी मूव फ्रॉम लोअर टैक्सा टू हायर टैक्सा, पहला टाइप क्वेश्चन। दूसरा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक घटते हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज का पैटर्न बढ़ना और घटना आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीशीज पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, किंगडम तक पहुंचते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर रखना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर जाने पे, मतलब स्पीशीज से किंगडम पे जाने पे, आपकी जो नंबर ऑफ यू कैन से कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती हैं, पहला स्टेटमेंट टू इस क्वेश्चन। दूसरा, आपको अरेंज करने को आ सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म का नाम दिया रखा हो, उसकी पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दे रखी हो जो टेबल 1.1 में दे रखे हैं, और आपको अरेंज करना हो कि कौन सा किसके बाद आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम को ही आपस में अरेंज करना है। तो किस तरीके से ऑर्डर को अरेंज करने आता है, लास्ट कुछ सेशंस का आपका क्वेश्चन भी है इस फिगर से, कि जिसमें किंगडम को नीचे ले गए हैं, स्पीशी को ऊपर ले गए हैं, और आपको अरेंज करना है। मगर आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना, किंगडम बड़ा है डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में स्पीशी छोटा है। तो स्पीशी से अगर किंगडम तक जाते हो, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि लगातार नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने जैसे बोला कि किंगडम में बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किंगडम से स्पीशी में आते हो तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट हो जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वर्ड पे जरूर सर्कल रखना इमेज बेस्ड क्वेश्चन जब इसका आएगा। नेक्स्ट, जो टेबल दे रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और टेबल 1.1 का क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो बहुत क्लियर है। पहली बात तो आपको एक इस टेबल को डायरेक्ट दे सकता है वो, मैच द फॉलोइंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, कॉमन मैन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है या बायोलॉजिकल नेम, प्लस उनके सामने उनके ऑर्डर के नाम दे दे और आपको मैच करने हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल। सेकंड टाइप इज बेसिकली बेस्ड ऑन, अगर आपको टेबल दे दिया है उसमें बीच में ए बी सी डी मार्क कर दे और आपको ए बी सी डी पहचानना हो कि इसी पूरी टेबल में ए बी सी डी कौन कौन सा पॉइंट है, तो टेबल एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपको एक पॉइंट और समझना है कि जैसा कि मैंने अभी ऊपर बात करी, मैं क्वेश्चन अगर दे रहा हूँ या नीट के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस तरीके से लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मैमिलिया, प्राइमेटा, होमिटे, होमो, या नॉर्मली इस तरीके से मैंने आपको एक और सेपियंस, तो मैंने आपको एक पूरा फ्लो चार्ट दे दिया फॉर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ अ मैन, और इसमें मैं आपको अरेंज करने के कहूँ कि इसको स्पीशी से किंगडम तक अरेंज करो। सिर्फ स्पीशी से किंगडम वर्ड नहीं आ रहा, उसके बेस पे एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप अरेंज कैसे करोगे। तो सबसे नीचे सेपियन, सेपियन के ऊपर होमो, होमो के ऊपर आपका होमिनिडे, होमिनिडे के ऊपर प्राइमेटा, प्राइमेटा के ऊपर मैमिलिया, मैमिलिया के ऊपर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के ऊपर एनिमिलिया, लाइक दिस, ऐसे चारों में से किसी एक का भी आ सकता है। तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखना है कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछता क्या है टेबल वे में। तो टेबल वे में आपसे ये सारे वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें दो ही है मेजरली, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बेस पे जो क्वेश्चन है गाइस आपके पास, वो स्टेटमेंट वाइज है।
जैसे हबेरिया पे क्वेश्चन आता है, हबेरियन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे क्वेश्चन आता है, की एक एनालिटिकल नेचर शो करती है, ये लाइन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, की का हर एक दो लाइंस जो होती है वो लीड और दोनों को कपलेट बोलते हैं, तो इस तरीके का बेस्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत रहता है। आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का इंस्टेड ऑफ इमेज बेस्ड, लेकिन क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट पे है। लेकिन आप सब एक गलती करते हो, आपको की के बाद पीछे फ्लोरा फौना और मैनुअल दे रखा है, तीन लाइनें एनसीईआरटी की, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, तो आप उस चीज का ध्यान रखना, वो लाइन आपको मेमोराइज होनी चाहिए। प्लस चैप्टर, हर चैप्टर की समरी इस टाइम पे जरूर पढ़ना, क्योंकि समरी कॉन्टेक्स्ट हमेशा चैप्टर से थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो ये सब बात थी क्विक रिवीजन में फॉर चैप्टर नंबर वन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर टू अगर हम देखेंगे, तो चैप्टर नंबर टू के अंदर अगर आप कॉन्टेक्स्टली बात करो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर टू। तो चैप्टर नंबर टू में सबसे पहले आपके पास आती है टेबल 2.1, और ये टेबल 2.1 बहुत कॉन्टेक्स्टली इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर में पूछता है कैसे नहीं पूछता है, इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो टेबल 2.1 अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि टेबल 2.1 के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो जरूर रहेगा उसके अंदर, और टेबल 2.1 का जो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास रहेगा टेबल की अंडरस्टैंडिंग पे, वर्ड्स पे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूंगा, मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, और दूसरा प्रोटिस्टा इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, दोनों ही यूनिसेलुलर ग्रुप्स हैं लेकिन एक प्रो है और एक यू है, इस बेस पे एक क्वेश्चन आपके पास कॉन्टेक्स्ट रहता है। फिर दूसरा आपके पास जो नीचे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रखे हैं इस टेबल के अंदर, वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाए उसमें भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, लाइट का यूज करके, केमिकल यूज करके, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो उसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रो भी दो तरीके के, फोटो एंड कीमो। तो फोटो हेट्रोट्रॉफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं खाने को तोड़ने के लिए, लेते दूसरे से लेकिन तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइट का, फोटो हेट्रो कहलाएगा, और अगर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो कीमो हेट्रोट्रॉफ कहलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सैप्रोफिटिक जो डेड एंड डीके मैटर पे उगते हैं, पैरासिटिक दूसरे की बॉडी पे होस्ट के ऊपर एग्जिस्टेंस देना, फिर इसके बाद हेट्रोजोइक और होलोजोइक एक वर्ड दे रखा है। होलोजोइक का एक सिंपल मतलब है खाने को अपने मुंह में डालना, दैट इज द कंडीशनली इंजेशन, मतलब अगर आप प्रोसेस ऑफ माउथ के थ्रू खाते हो या माउथ में माउथ को खाने के थ्रू लेते हो, दैट प्रोसेस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये भी एक कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहता है कि आपके जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर बहुत डिफाइंड होते हैं इसमें हर एक किंगडम के, तो किंगडम वाइज क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो बहुत कॉन्टेक्स्टली रखना कि इसमें कैसे पूछा जा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे स्टेटमेंट बात कर रही है, उस रिस्पेक्ट में ही आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करना। दूसरा, कई बार ऐसा होता है पेपर के बीच में कि हमारे पास हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि उसमें से हो सकता है कि कुछ जो फाइनल आपका एबीसीडी के अंदर जो ऑप्शन दे रहे हैं वो कुछ एनसीईआरटी वाले होते हैं, कुछ एनसीईआरटी से बाहर भी कभी कभी मिलते हैं और हमें वो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होता है, या ये कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में अक्सर रहता है। गाइस सबसे बेस्ट ट्रिक है थ्री रिजेक्शन ट्रिक। थ्री रिजेक्शन ट्रिक में बहुत सिंपल है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हर बार सही ढूंढना आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता। आई थिंक आई प्रेफर कि अगर हर बार सही ढूंढना कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता तो तीन गलत ढूंढो, बिकॉज तीन गलत जल्दी मिलते हैं एज कम्पेयर टू एक सही से। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन को लेके आप पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एकदम से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो मेक श्योर आपको तीन गलत क्वेश्चन को ढूंढने की प्रायोरिटी पहले देनी है, और अगर एक बार आपने तीन गलत ढूंढ लिए तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ जो ऑप्शन जो बचेगा या एक आपका जो ऑप्शन बचा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन। फिर 1969 आरएच वाइटेकर का केस, लेकिन आरएच वाइटेकर ने किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज किया था, आई मीन जस्ट सेइंग किस मोड ऑफ पॉइंट्स को यूज किया था फॉर कॉन्टेक्स्टिंग द फाइव किंगडम, तो वो मेंशन है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दीज आर द फाइव मेजर पार्ट्स या पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फाइव किंगडम हैज बीन क्लासिफाइड बाय द आरएच वाइटेकर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखें तो किंगडम पोनेरा में सबसे पहले हमारे पास ये बैक्टीरिया की शेप के बेस पे हमें डायग्राम मिलता है। तो बैक्टीरिया का शेप चार तरीके का है, एग्जांपल आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि कौन सा पार्ट किसके लिए रिलेटेड है, स्ट्रेप्टोकोकस इज फॉर कोकाई है ना, लैक्टोबैसिलस इज फॉर बैसिलाई, स्पाइरुलिना और स्पाइरेला, नॉट स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज टू डिफरेंट केस। तो स्पाइरेला इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, आपका बैक्टीरियो स्पाइरेला भी शो करता है। फिर उसके बाद विब्रो कोलेरा है ना, कोलेरा विब्रो इज अ फुल नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो ऐसे कहीं है जो आपके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करते हैं, तो आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि बहुत रेयर रहता है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट फिगर है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको करेक्टरिस्टिक पहचानने को दे। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फिगर बहुत आती है,
ये फिगर का पॉइंट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपको समझना है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है और उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपको क्या सिखा रहा है और कैसे सिखा रहा है। तो इसमें नोस्टॉक का केस में हेट्रोसिस्ट एक वर्ड है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकता है और नॉर्मली भी आपको सॉइल में एग्जिस्टेंस मिलेगी इसकी। तो जो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली ध्यान रखना है कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है और क्या आपसे कॉलोरेट करवा रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। तो पहली चीज आपको ये चीज बहुत क्लियर अंडरस्टैंड करनी है कि हेट्रोसिस्ट का डायग्राम बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नोस्टॉक, और ये डायग्राम हेट्रोसिस्ट जो आपको इसमें मार्क कर रखा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस डायग्राम से रिलेटेड आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम का आ सकता है, तो उसमें आपको सामने जो आपके साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपको कॉन्टेक्स्टली क्वेश्चन दे सकते हैं और वहां पे आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। तो इसकी लाइन ऑफ स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, इस डायग्राम के रिलेटेड जो आपका कॉन्टेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया का एनसीईआरटी ने दिया वो जरूर पढ़ना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं जो हायर प्लांट्स हैं उनके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो होते हैं। तो ये बहुत कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में दो रास्ते हैं, या तो स्टेटमेंट करेक्ट का क्वेश्चन है इनके पास, या दूसरा ये है कि इसी इमेज में आपको एबीसीडी मार्क कर देगा और आपको पहचानना होगा कि स्ट्रक्चर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो बहुत सिंपल है, तो इमेज एनसीईआरटी की लास्ट मोमेंट पे देखना बहुत जरूरी है, प्लस समरी हर चैप्टर की देखना बहुत जरूरी है। दो कॉन्टेक्स्ट आपके क्लियर होने चाहिए विजन को लेकर। Moving on to the next is the diagram of a bacteria. अब यहाँ से ये bacterium का diagram यहाँ पे भी है, cell chapter में भी है, biotech में भी है, तो contextually लंबा procedure आ गया, लंबे process में जुड़ रहा है। तो ध्यान रखना कि इस लंबे process में कैसे आपको work करना है और किस तरीके से contextually understand करना है। तो bacteria का characteristic features आपको सारे पता होने चाहिए कि इनकी outer wall lysozyme की है और इनका biotech में कैसे use करते हैं वो भी आपको clear होना चाहिए, plasma जिसमें पाया जाता है, और आपको बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, जेनेटिक्स में भी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत दे रखे हैं। फिर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके सामने ही आपको ना बैक्टीरिया से कॉज होने वाली है, अगर आपको मैं दिखाऊं दे आर द डिजीज दैट आई हैव मेंशन कॉलेरा टिनफॉइड टेटनस, तो ये आपको यहां से कॉन्टेक्स्ट भी क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल हो सकती है, या आप कह दें इस फिगर से देख के पहचानो कि कौन सी डिजीज रिस्पॉन्सिबल है जो डिजीज हो सकती है, तो आपको पहचानना होगा कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से ह्यूमन हेल्थ से जुड़ गया। तो दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट आर द कॉन्टेक्स्टिंग द रैंकिंग क्वेश्चन होते हैं गाइज, जिनको आपको ग्रैप करना है, क्योंकि सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो हर बच्चा करता है लेकिन रैंकिंग क्वेश्चन को ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन दो चैप्टर को कैसे रैंक के लिए लेके आ रहा है वो अंडरस्टैंड करना हमारे लिए एक कॉन्टेक्स्ट पार्ट होता है। फिर इसमें माइकोप्लाज्मा का केस है, एनारोबिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, पहला चीज ध्यान रखना है। दूसरा आपके ये जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो इसीलिए क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती और डिफरेंट शेप्स और साइजेस में एग्जिस्टेंस मिलेगी आपको। नेक्स्ट मूविंग ऑन प्रोटिस्टा, देखो नई एनसीईआरटी में ये वाले डायग्राम्स कॉन्टेक्स्टली ऐड हो गए हैं, तो अगर आप देखोगे तो डायनोफ्लैजेलेट्स में ये एनसीईआरटी ने ऐड किया हुआ डायग्राम है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको गैनोकलिक्स का एक केस पता होना चाहिए, रेड टाइड का एक केस पता होना चाहिए, दीज आर द रेड टाइड दैट कॉज सेक्सिटोसिन हार्मोन की वजह से ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये डायग्राम जो आपको दे रखा है डायनोफ्लैजेलेट्स का ये मार्क करने को आ सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, ज्यादातर आपको डायग्राम पहचानना है पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा उस डायग्राम से रिलेटेड आपको फिगर में जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं वो पहचानना है दूसरा कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में रहने वाला है और पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा भी, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड्स, अगेन डायग्राम तो एनसीईआरटी ने दिया है लेकिन बहुत प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है इसमें, क्यों, क्योंकि यूग्लेनॉइड्स एक मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, मींस देखो भाई खाना मिला तो ऑटोट्रॉफिक तो खुद हूँ मैं, अपना खाना खुद बना सकता हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, या बना सकती हूँ जो भी है, यूग्लेनॉइड्स का केस बता रहा हूँ। लेकिन अगर खाना नहीं मिला मीन सनलाइट अवेलेबल नहीं मिल पाए तो भाई किसी को पकड़ के खा लेंगे, दैट इज हेटरोट्रॉफिक। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक बट दे शो हेटरोट्रॉफिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सो यू कैन से दे आर फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ्स, ऑब्लिगेटेड फैकल्टेटिव वर्ड्स, इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट आ गया। फिर आपको इसको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो फिर स्टेटमेंट आपकी बेस क्वेश्चन भी आ गया कि डायग्राम आ गई, चार स्टेटमेंट गिवन है, करेक्ट और या इनकरेक्ट पहचानो, गाइस बोल्ड किया जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट को, जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो सर्कल कर लेना ताकि आपके माइंड में वो सर्कल फिक्स हो, करेक्ट और इनकरेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत जरूरी है। जब करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो डी ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करना, जल्दी आंसर मिलता है, रीजन बिहाइंड कि उनका एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि ए बी सी डी, डी पे करेक्ट या इनकरेक्ट आपका फाइनल आंसर, तो वो इसमें रखने का पसंद करते हैं क्योंकि जब आप ए से बी, बी से सी, सी से डी आओगे तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आपके वो टाइम
वो भी उन्होंने न्यूट्रलाइज करवा लिया, तो आप थोड़े से यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर बनो। स्मार्ट प्ले में आपने क्या करना है, डी ऑप्शन से करेक्टली स्टार्ट करना है, ताकि जब आप डी से बी सी ए पे जाओ तो आपको कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें ज़्यादा आसान लगे और जल्दी आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी। ध्यान रखना, तीन गलत जल्दी मिलते हैं एक सही से, तो ये ट्रिक भी अपने माइंड में सेट रखना। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल आंसर पेपर में डायरेक्ट सामने दिख रहा हो, लेकिन हाँ तीन गलत भी दिख रहे हो तब भी फाइनल आंसर निकालना आसान हो जाता है, तो इट्स अ स्मार्ट प्ले, मेक श्योर। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स, बहुत क्लियर मेंशन किया एनसीईआरटी ने स्लाइम मोल्ड्स का केस। तो स्लाइम मोल्ड्स के पास यहाँ पे दो कंडीशन है, अंडर सुटेबल कंडीशन एनसीईआरटी की लाइन है और एक अंडर ड्यूरिंग अनफेवरेबल एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो सुटेबल कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन ओनली, तो वहां पे वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में एनसीईआरटी ने मेंशन किया वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन फेवरेबल और अनफेवरेबल वर्ड के बेसिस पे आंसर कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, तो वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है और किस रिस्पेक्ट में आंसर को फ्रेम किया गया। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स, चार टाइप है, एमीबॉइड और आपके उसके बाद फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड एंड आपके स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स का केस मलेरियल पैरासाइट और मलेरियल साइकिल से भी जुड़ेगा, मेक श्योर वहाँ से भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। एमीबॉइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे आर मूविंग लाइक अमीबा, और इसकी एक डिजीज है एंटामीबा हिस्टोरिका इन चैप्टर नंबर 8 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। फिर फ्लैजिलेटेड का केस आ जाता है, तो फ्लैजिला पाया जाता है उनकी बॉडी के अंदर, तो फ्लैजिलेटेड कंडीशन आपको उसको बोलता जाता है। सीलिया पाया जाता है, तो पैरामीशियम का केस है, पैरामीशियम की जो मूवमेंट है सीलिया की वो यूनिडायरेक्शनल है, बायडायरेक्शनल नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी रहता है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। फिर अगर आप फंजाई के अंदर आओ, तो फंजाई के अंदर आपको चार स्टेप दे रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला दोनों सेल का फ्यूज होना, उनके साइटोप्लाज्म मिक्स होना, प्लाज्मोगैमी। और अगर आपसे कह रहा है प्लाज्मोगैमी एकदम से कायरोगैमी नहीं हो रही, तो बेसिडो और एस्को का ही केस है, क्योंकि एस्को में थोड़ी छोटी होती है, बेसिडो में बड़ी होती है, लेकिन एन प्लस एन कंडीशन उन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन अगर आपसे कह रहा है हाथों हाथ हो रही है, तो ये आपका आपका जो आपका फाइटोमाइसिटीज है उसका केस हो गया। फाइटोमाइसिटीज में भी दो मेंबर आ गए, जाइगोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। तो ये तीन पॉइंट स्टेटमेंट करेक्ट रखना। फिर इसका जायगोट एकदम से मियोसिस नहीं करता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले माइटोसिस करके स्पोर का नंबर बढ़ाता है, फिर उसके बाद मियोसिस करता है एंड फाइनली लीड्स टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये भी चीज का कॉन्टेक्स्ट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडीशंस एस्को में, अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो एस्पर्जिलिस और अगारिकस का आपको डायग्राम दे रखा है, तो अगर आप ढंग से देखोगे एस्पर्जिलिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और अगारिकस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसमें आपको दोनों फंजाई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। डायग्राम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक नीचे दे रखे होंगे पहचानने होंगे, डायग्राम आएगा मैच द फॉलोइंग नीचे दे रखे होंगे पहचानने होंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखना। फिर एस्को और पोनीडियोस्पोर्स का थोड़ा सा देखो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th की एनसीईआरटी ने पेनिसिलियम का डायग्राम दिया है अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्टली क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन का पॉइंट क्या है, कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपको उस चीज को एक बार ही फोकस कर लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आपको एक कॉन्टेक्स्टली क्वेश्चन क्वेश्चन ने पूछा कि भाई आप पोनीडिया जो बनते हैं वो एक्सोजीनियस बन रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी बन रहे हैं, जबकि आप एस्कोस्पोर्स की बात करोगे तो वो इनसाइड द बॉडी बनते हैं। तो एस्को का जो केस है वो इनसाइड का है, और जो आपके उसका केस है कोनिडिया का वो आउटसाइड का है। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट पर अलग अलग रखना, तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसका डायग्राम बहुत ध्यान रखना। पेनिसिलियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया स्पोर से कर रहा है और वो आउटसाइड द बॉडी बनते हैं, जबकि एस्को स्पोर सेक्सुअल स्पोर्स है, दे फॉर्म इनसाइड द बॉडी। बेसिडो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, एक ही फॉर्म है बेसिडो का, लेकिन वो एक्सो। अब एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स इनसाइड है, बेसिडोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स आउटसाइड है, ये भी कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना। फिर डिटीरोमाइसिटीज तो बहुत ही कॉमन है। फिर इसके बाद आपको देखो वायरस वायरेट्स प्रायोन्स इस बार आपकी नई एनसीईआरटीज में एडेड है, तो वहां पे वायरस का ये वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, और जब ये पेपर में आएगा तो ये आपके पास इस रिस्पेक्ट में आएगा कि डायग्राम मार्क किया और उसके बाद आपसे बोला इसने कि आप इसको क्या बनाओ, कि भाई ये डायग्राम इन्होंने मार्क करा है, ए बी सी डी पता लगाओ कि ए बी सी डी कौन सा क्या पार्ट है। देखो जो डायग्राम इन्होंने बी में दिया बैक्टीरियोफेज, ये हार्ड चेज एक्सपेरिमेंट में भी यूज हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना कि कैसे पूछा गया। डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि ऐसा बैक्टीरिया हम कहाँ पे एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं, तो आप ना नहीं कर सकते, दैट इज अ कंटेस्ट ऑफ हार्ड चेज एक्सपेरिमेंट। मैं आपको सारे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इन्होंने इंटरमिक्स करने हैं चैप्टर के बीच में, जो रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कम रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अगर आप फर्स्ट देखोगे टीएमवी का, तो मैं आपको मजा आएगा, तो उसमें अगर आप ढंग से देखो तो उसका एनसीईआरटी कहती है जो उसका आरएनए होता है ना,
वो कैप्सिड के साथ ही आगे बढ़ जाता है। ऐसा आपको यूकेरियोट्स में भी दिखता है। यूकेरियोट्स का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ ही कॉन्टेक्ट करता है। तो ये वायरस का एक मिलता जुलता सिनोनिम पार्ट है हमारी और इनके साथ। तो इसके बाद अगर आप, इसके बाद साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट दी, क्या क्या नाम दे चुके थे। फिर वायरस के रिलेटेड नीचे आपको डिजीज दे रखे हैं, वो डिजीज सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन हेल्थ वाला टॉपिक यहाँ से जुड़ता है। फिर इसके बाद वायरॉइड्स में एक ही डिजीज दे रखी है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और टीओ डाइनियर का केस है। फिर प्रायोन्स में आपको दो डिजीज दे रखी है, एक दे रखी है सीजेडी और एक बीएससी, दोनों का ही केस आपको इंपॉर्टेंट है। फिर लाइकन्स में किंग एंड स्लेव हो गया, माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट का केस दे रखा है। और फिर ये पोल्यूशन इंडिकेटर है, प्लस मॉसेस के साथ कॉन्टेक्शन क्वेश्चन जुड़ गया क्योंकि सक्सेशन हेल्प करते हैं, सक्सेशन आ गया तो इकोलॉजी आ गई। तो इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटर रिलेटेड करेगा और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत क्लियर रहना चाहिए कि आपसे पेपर में क्या पूछा गया है और आप क्या बेस पे आंसर दे रहे हो। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का या तो मार्किंग क्वेश्चन है या करेक्ट ऑप्शन है या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेपर से किस पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको दिया जा रहा है। एबी हर डायग्राम के अंदर जो मार्किंग है ना वो बहुत पक्की रखना, क्योंकि एबीसीडी की फॉर्म में तो क्वेश्चन आ ही सकता है बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन में से। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आप बात करो तो मैं लेके आता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का केस थोड़ा सेपरेट है, उसमें भी आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं और ये डायग्राम यहाँ से 31 पेज पे जो शुरू होते हैं ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट करेक्टर ले जाता है चैप्टर का। तो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे वॉलवॉक्स का केस दे रखा है पहले, इट इज एल्गा, फाइन। तो वॉलवॉक्स का अगर आपको केस देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो पेरेंटल कॉलोनी बीच में ही होते हैं और पेरेंट के अंदर ही बच्चे, डॉटर कॉलोनी आपको दिख रही होगी, कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वॉलवॉक्स। और ऊगेमस कंडीशन एग्जांपल है उसका। तो वहां से ये डायग्राम दे दे और आपसे पूछ ले कि टाइप ऑफ एसेक्शन की आपकी कंडीशन बताओ कि किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो आपको केसेस नीचे इसमें डायग्राम में अगर आप देखोगे तो नीचे आपको यूरेथ्रिक्स का केस भी दे रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं कि पहले दो यूरेथ्रिक्स के हैं, बाकी तीन जो है वो लैमिनेरिया, फ्यूकस और डेक्टेरा के। तो मार्किंग करने को आ सकता है, नाम पहचानने को आ सकता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपसे क्या पूछा गया। आपको इस वाले डायग्राम के अंदर भी मार्किंग दे रखी है किसको फ्रॉन्ट बोल रहे हैं, किसको स्टाइप बोल रहे हैं। आया था क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में, होल्ड फास्ट का केस दे दिया या आपको कह दिया कि ये डायग्राम है, पहचानो कि एल्गी का नाम क्या है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है या किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है ये आपको अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको समझने के लिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत ईजी कॉन्टेक्स्ट पे आता है और ईजिली आंसर मिल जाता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 3 गलत पहचानने की कोशिश जल्दी मिलती है एज कम्पेयर टू 1 सही से। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद ये आ गई जी आपकी टेबल, दैट इज टेबल 3.1। तो टेबल 3.1 का जो कॉन्टेक्स्ट है गाइस, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि भाई टेबल की मार्किंग, अगेन ए बी सी डी, टेबल को कुछ भी गायब कर देगा और आपसे पूछ लेगा या सीधा ही आपसे पूछ लेगा कि स्टोर्ड फूड बताओ, सिंपल है, नाम गिवन है, फ्लोरिडन स्टार्च किसका स्टोर्ड फूड है, मैनिटॉल लैमिनारिन किसका स्टोर्ड फूड है। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन दैट वी कैन बी आस्क्ड। फिर इसके बाद अगर आप आओगे तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत ज्यादा काम की चीज है ये, दैट इज मार्किंशिया। देखो मार्किंशिया केस यहाँ भी है, ट्वेल्थ में भी है। मार्किंशिया ब्रायोफाइट में आता है और ये लौता ऐसा ब्रायोफाइट है जो डायोशियस है। फिर जेमा कप्स का कंडीशन है इस पे भी, ये भी क्वेश्चन आता है, एसेक्सुअल स्पोर्स है जेमा कप्स, एसेक्सुअल कप्स है बेसिकली जिनके अंदर स्पोर्स होता है। फिर आपको ना पहचानने को आया था एक बार, आपको एक डायग्राम दे देगा, आर्केगोनियो 4 भी लिखा है और एंथ्रीडियो 4 भी लिखा है और आपसे पूछ लेगा पता लगाओ ये मेल है या फीमेल, बड़ी कंफ्यूजन है। तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जिगजैग स्ट्रक्चर मेल में दिखता है और जिगजैग नहीं है, नॉर्मल पेटल लाइक स्ट्रक्चर फीमेल का है। तो पेटल फ्लावर होता है, फ्लावर एक फूल है, फूल एक लड़की है, लड़की से याद रहेगा। तो इट्स जस्ट अ कंडीशन आर्गेनियो फोर। तो आपको ये याद रखना है डायोशियस है, मोनोशियस नहीं है, सारे मोनोशियस है, ये लौता डायोशियस है, लिवर वॉट है और ब्रायोफाइट के अंदर आता है। ब्रायोफाइट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर और है जो आपको नीचे फिनारिया के दिया है, दैट इज गैमेटोस्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट आ गई, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट बट गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, कुछ याद आ रहा है, वर्टिब्रेट्स क्वाड्रेट्स है ना, तो वैसे वाली स्टेटमेंट है ये भी। तो मार्किंग करने को आ सकता है। दूसरा अगर आप डायग्राम देखोगे, आपको डायग्राम दे रखा है स्फैग्नम का, स्फैग्नम के डायग्राम में जैसे कैरा एल्गी दे रखे 12th में, यहाँ पे स्फैग्नम, स्फैग्नम के डायग्राम में ऊपर एंथ्रीडियल नीचे आर्केगोनियो, मतलब नीचे फीमेल ऊपर मेल है, ये याद रखना। और अभी जब हम 12th का कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो वहां कैरा एल्गी का केस दे रखा है,
है ना, तो वहां पे रेसिप्रोकल चीजें, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पकड़ के रखना कि स्पैग्नम में क्या पूछा है और कैरा एल्गी के एस्पेक्ट में क्या पूछा है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है भाई। और आ सकता है कि ये बताओ ये क्या स्पैग्नम के केस में एंथ्रीडियम कहां होता है, ऊपर या नीचे, स्टेटमेंट करेक्ट आया था ना कैरा के रिलेटेड, ऐसे स्पैग्नम के रिलेटेड आ सकता है। तो बहुत प्रैक्टिकल ध्यान रखना कि क्या पूछा है, कैसे आंसर दे रहे हो और क्या कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हो, ये चीज क्लियर रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर नीचे आप आओगे तो कहीं सारे डायग्राम दे रखे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम गिवन है, जो डायग्राम आपको दो गिवन है दैट इज सेलेजिनेला और इक्यूस स्टेम का डायग्राम है, मार्किंग करने को आ सकता है, टेरिडोफाइट है, नोड कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, रूट्स पाई जाती है, स्टेम लीव्स मार्क्ड होती है, ये इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काम का हो गया। फिर इसके बाद स्ट्रॉबिलिस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज अ कोन, कोई बात नहीं आ जाएगा। स्ट्रॉबिलिस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कोन, और कोन के रिस्पेक्ट में भी केस ऑफ क्वेश्चन हमारे केस में जिसमें मेल और फीमेल कोन का केस है। और इसके बाद सेल्वियाना का केस भी आपको, सेल्वेनिया का डायग्राम बना हुआ है गाइस, और सी इज अ फर्न एंड डी इज अ सेल्वाना, सेल्वियाना का केस दे रहा था आपको पेपर में। फिर प्रो इसमें सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डायग्राम पे ये स्टेटमेंट मिल सकती है कि सीड हैबिट क्या है, तो सीड हैबिट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू कैन से द कंडीशन दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। तो सीड हैबिट पाया जाता है, सीड हैबिट मींस पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि सीड नहीं बना लेकिन सीड बना, मतलब सिर्फ फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के ऊपर हो रही है, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है, तो सीड बनने की शुरुआत हुई लेकिन सीड नहीं बन पाया, और जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले सीड बनता है, ये याद रखना। तो जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आपको नीचे टेरिडोफाइट्स के केसेस दे रखे हैं, अलग अलग क्लासेस दे रखे हैं टेरिडोफाइट के, मेरे सामने ही आपको यहाँ पे मेंशन है, सेल्पसिडा, लिक्युपसिडा, सेनाफसिडा एंड टेरिडोसिडा, तो उनके एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ड्राइव टेरिस और होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ध्यान रखना क्लियर कर रखे हैं, दैट इज जिसमें सेलेजिना और सेल्वियाना के अंदर हेट्रोस्पोरस है जबकि ड्राइव टेरिस के केस में होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म, अगेन द डायग्राम इज मेंशन, डायग्राम के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गिंको, जिसके अंदर मार्किंग कर रखी है इन्होंने, साइकस और पाइनस के केस में यहाँ पे आपको कंडीशन अलग अलग बता रखी है कि साइकस और पाइनस कैसे कैसे मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई मे बी बॉर्न ऑन अ सेम ट्री, ये पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और मेगास्पोरोफिलस और माइक्रोस्पोरोफिलस डिफरेंट ट्री पे साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो पाइनस एक तरह से मॉशियस हो गया और साइकस एक तरह से डायोशियस हो गया, तो पहचानने को आ सकता है कि पता लगाओ ग्रुप, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप दे दे और आपसे पता लगाओ कि कौन सा इसमें से डायोशियस है कौन सा इसमें से मॉशियस है, और आपको ग्रुप में से पहचानने हो कितने डायोशियस है कितने मॉशियस है, तो चैप्टर नंबर 5 और सारे एग्जाम्पल भी मिक्स हो गए आएंगे, तो वहां से भी कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं तो गिंको का केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक क्लास, इसमें एक ग्रुप है जेनिटल्स, वो जेनिटल्स का ग्रुप एंजियोस्पर्म की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है लेकिन वो है जिम्नोस्पर्म, मेक श्योर, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केसेस है, जहाँ पे एनसीईआरटी की एनाटॉमी की लाइन है कि जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होते और जेनिटल्स के पास होते हैं, क्योंकि वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बट जेनिटल इज अ एक्सेप्शन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज सिमिलर टू एंजियोस्पर्म बट इज स्टिल प्लेस्ड इन अ जिम्नोस्पर्म और वहां पे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट लाइन है, ध्यान रखना। गाइस शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल जरूर। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म का यहाँ पे दो आपको केस दे रखा है, एक टॉलिस्ट और एक स्मॉलेस्ट, तो टॉलिस्ट इज यूबेक्टेला एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रही है, सिक्वा जिम्नोस्पर्म है, वो टॉलिस्ट जिम्नोस्पर्म है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंजियोस्पर्म टॉलिस्ट यूबेक्टेलिस एंड द माइक्रोस्कोपिक इज वॉल्फिया, और इसका केस आपको इकोलॉजी में दे रखा है, राव वॉल्फिया वोमिटेरिया, ये लाइन आपको बायोडाइवर्सिटी में टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज को जब डिफरेंशिएट किया है तो पहली ही डाइवर्सिटी जो आपको दी है बायोडाइवर्सिटी के ग्रुप में उसमें मेंशन किया है राव वॉल्फिया वोमिटेरिया। ठीक, नेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट टाइप इज दिस फिगर, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये 12th में भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो गई, और कैसे क्वेश्चन आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो अगर आप बात करोगे सिग्मा स्टाइल ओवरी की तो वो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मेगास्पोरेंजियम फिलामेंट एंथर ये वाला ही कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मतलब पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का केस है और ये डेवलपमेंट है पूरी, और आपको स्पोरोफिटिक और N2N दे रखी। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकिल्स हैप्लॉन्टिक,
और डिप्लोंटिक हैप्लो डिप्लोंटिक, तो हैप्लोंटिक एल्गी का है, डिप्लोंटिक एनजीओ जुमनो का है, हैप्लो डिप्लोंटिक टेरिडोब्रायो का है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया, आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाने मतलब बना हुआ आ सकता है और आपको पता लगाने को आ सकता है कि इसमें किस तरीके से कौन सी चीज क्या बन रही है, या प्लॉइडी लेवल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्लॉइडी किसकी क्या होगी, या आपको डायग्राम दिखा दे और एग्जाम्पल मार्क करवाने के लिए पूछ ले कि किससे रिलेटेड है। लेकिन सारी चीजें ध्यान रखना, फ्यूकस का एक्सेप्शन केस है, फ्यूकस में केस में डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल भी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो एल्गा होने के बाद भी डिप्लोंटिक शो करते हैं, बाद एनसीईआरटी की लास्ट स्टेटमेंट है इस चैप्टर की, फ्यूकस एंड एल्गा इज अ डिप्लोंटिक, अगर आपको देख लो। तो ये एक्सेप्शन केसेस है, लास्ट पैराग्राफ, चैप्टर की समरी जरूर पढ़ना, बहुत कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर की समरी से आता जरूर है, हमेशा एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा सा इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, पूरा डायग्राम से भरा पड़ा गाइस, और वो एनिमल किंगडम का मैंने आपको कंडीशनली शायद एनसीईआरटी सेशन भी लिया है, इसी रीजन की वजह से लिया ताकि आपको बाद में दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े। तो चैप्टर नंबर 4 का अगर आप केस देखोगे, तो चैप्टर नंबर 4 इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले रेडियली बायलेटरल सिमेट्री के डायग्राम्स आपको गिवन है, फिर ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, सिलोम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से दो तरह के सिलोम की कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सूडो सिलोम का डायग्राम बना आ जाए और एग्जांपल पूछ ले कोई गलत नहीं है, आपको एस्क्लेमेंथिस के डायग्राम याद होने चाहिए, इस चैप्टर में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन श्योर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनिमल किंगडम से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहा है उसको लीव नहीं करना है, अगर वो डायग्रामेटिक आ रहा है तो भी, और विदाउट डायग्रामेटिक आ रहा है तो भी। अब ये टेबल भी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट ट्रिक है पूरा टेबल जो कि आपको केस ऑफ पेपर दे रखा है कि किस तरीके से पूछी जाती है और कैसे कॉन्टेक्स्टली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टेबल का जो कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो ध्यान रखना कि कैसे पेपर में पूछा गया है और कैसे आंसर करना है। नेक्स्ट इज आपको केस दे रखा है, एग्जाम्पल है साइक्लिन, तो आपको केस दे रखा है साइक्लिन यूज स्पॉन्जियास पॉलीजेनिला का, और आपको इस केस को बहुत अच्छे से दबाना है, इस ऑस्टिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, ऑस्कुलम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हेरमल फोरोडाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पॉरीफेरा थर्ड लार्जेस्ट किंगडम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस्ड आते हैं, और फिर आपको बहुत सीलेंट ट्रेट्स में डायग्राम है, लेकिन इसमें आपको ये डायग्राम नीडोब्लास्ट का जो दे रखा है ये भी कॉन्टेक्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडोब्लास्ट का डायग्राम, तो नीडोब्लास्ट के डायग्राम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी आपके केस में इंपॉर्टेंट है, तो इसी की प्रेजेंस होने की वजह से ये अपने प्रे पे अटैक कर पाता है, वो भी कॉन्टेक्स्टली क्वेश्चन बन गया। सो दीज आर द टिपिकल क्वेश्चन दैट हैव टू बी आस्क्ड बाय द एनसीईआरटी बेस्ड डायग्रामेटिक रैंकिंग क्वेश्चंस एंड ऑल। तो चैप्टर वाइज इस चैप्टर में तो भैया देखो बहुत सारे हैं, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है इसकी, तो ये कॉम प्लेट्स वाला केस में आएगा, प्लीरोब्रैंकिया किया आ गया, फ्लैट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपका 12th का डिजीज वाला चैप्टर भी जुड़ता है फ्लैट फॉर्म से, तो वहाँ पे केस दे रखा है जैसे टेनिया का केस, ट्यूबर फ्लू, ये सब पॉज करते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड ऑल। फिर इसके बाद फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, एक्सेप्शन लोवा लोवा, मेल्स लॉन्गर होते हैं, तो ये एक हो गया। वजैरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसके ओवीपैरस हैं, वजैरिया वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और एक बार अंडरस्टैंड होगी तो आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ जाओगे। नेक्स्ट इज एनिलिडा, तो एनिलिडा भी के अंदर आपको डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो आपको अगर देख रहा होगा हीरोडिनिया, हीरोडिनिया से हीरोडिन निकलता है, एंटीकोगुलेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, डायग्राम आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें सबसे देखो एनिलिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन सबसे पहले सिलोमेट कंडीशन यहाँ है, सबसे पहले आपकी ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ है, सबसे पहले आपका ये कहो कि आपका कंडीशनली किए, सबसे पहले आपका ऑर्गेनिज्म मेटामॉरिज्म शो करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो एनिलिडा ने पहले बार उठाए हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी सबसे पहले यहाँ है, तो इस तरीके से बायलेटरल सिमेट्री भी सबसे पहले यहाँ, देखो बीच बीच में रुक के आ रहा है लेकिन आ रहा है, तो ये चीज को ऐसे पकड़ना है और चीज को अंडरस्टैंड करना है। नेफ्रिडिया का केस भी आपको गिवन है, फिर अर्थोपोड्स, अगर आप अर्थोपोड्स की बात करोगे तो अर्थोपोड्स भी करेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है तो भाई आएगा भी, तो अर्थोपोड का केस गाइस बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात है इसमें सबसे लार्जेस्ट इंसेक्ट का ग्रुप पाया जाता है, और वो लाइन जो आपकी बहुत बार दे रखी है 2/3 एनिमल्स जो होते हैं वो इंसेक्टा ही पाए जाते हैं, है ना, हर 10 में से 7 ऑर्गेनिज्म इंसेक्टा होगा, तो जॉइंट इंडेक्स होता है कैरेक्टरिस्टिक के, यहाँ से क्वेश्चन कॉकरोच वाले कॉन्टेक्स्ट से भी जुड़ेगा, तो मेक श्योर आपको ये नहीं कह सकते आप आउटसाइड सिलेबस से, और अर्थोपोडा सॉरी एनिलिडा का जो क्वेश्चन है वो अर्थवर्म से भी जुड़ेगा, तो वहां से भी आप नहीं कह सकते कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार ये चीजें फिगर आउट हो गई
चीजों को फिगर आउट करना बाद में आसान होगा। तो एग्जांपल है इसमें, एक एग्जांपल जरूर याद करना, लिविंग फॉसिल जो कि आपको केस दे रखा है लिमुलस का, किंग क्रैब का, ये कॉन्टेक्स्टली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट इज इनसे आपका अर्थोपोडा, उसके बाद सेकेंड इज मोलस्का, थर्ड इज पॉलीफेरा। तो इसके केस में तीन कंडीशन है, रेडुला एक आपको याद रखना है इसमें, और साथ में आपको याद रखना है इसका केस डेविल फिश का, ये पेपर थोड़ा सा आता है ऑक्टोपस, इसके पास इंजेक्ट पाया जाता है प्रे से बचने के लिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स है ना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पाया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको क्लियर रखना है कि क्या आपसे पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है गाइस नॉर्मली एनस के थ्रू ही, वाटर एनस तो चलो पाया ही जाएगा, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही सारा कुछ इनको अचीव हो रहा है। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हर्मा हेमिकॉर्डेट्स का केस आया था, डायग्रामेटिक ही आया था, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक आपको पता होना चाहिए, प्रोबोसिस मार्क करने को आ सकता है, प्रोबोसिस को हटा के ए पॉइंट कर दे और आपसे क्या पता लगाओ ये किसके, मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऊपर दे रखा है वो किसका है, क्या नाम है उसका। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस, तो ये एक तरह से आपको ये कह सकते हो प्रोबोसिस जो है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फिर एग्जाम्पल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई सामने, दैट इज कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का डायग्राम और कॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक फीचर, इन चार को पकड़ लेना अच्छे से, इन चारों को छोड़ के पांचवा कोई भी हो ना वो कॉर्डेट का कंडीशन नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेट्स का है और कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेट का नहीं है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को रिलेटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नर्व कॉर्ड हॉलो होती है, नोटो कॉर्ड सॉलिड होती है, ये भी ध्यान रखना है, हॉलो कॉर्ड को सर्कल रखना, नर्व कॉर्ड इज हॉलो, नोटो कॉर्ड इज सॉलिड। फिर डिफरेंशिएट आ गया, फिर आपको स्कैडिया का डायग्राम दे रखा है, इसके आउटपुट में एक लेयर पाई जाती है ट्यूनिकाटा की, इसी वजह से इनको ट्यूनिसन भी बोलते हैं या यूरोकॉर्डेट का ही केस ट्यूनिकाटा बोलते हैं। फिर इसमें एग्जांपल दे रखे हैं दो यूरोकॉर्डेटा का, स्कैडिया एंड सैम्पा और डेलिलम, और सेफेलोकॉर्डेट का ब्रैंकियोस्टोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, लेंसलेट बोलते हैं, लेंसलेट के नाम से बहुत आता है ये एम्फिसिस और लेंसलेट। तो वर्टिबल कॉलम, फिर लाइन आ गई, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि यूरो और सेफेलो कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो वर्टिब्रेट्स के बाद ये टेबल आ गई। अच्छा, इसके बाद आता है पेट्रोमायोजन का केस डायग्राम और इनका करेक्टरिस्टिक फीचर कि ये अपने बेबी फ्रेश वाटर में जाके देते हैं, सबको पता है माउथ करेक्टरिस्टिक फीचर में। आप क्या करना है, डायग्राम और करेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल किंगडम का एक मेजर पॉइंट क्वेश्चन है। एक डायग्राम सामने देगा, उससे चार रिलेटेड करेक्टरिस्टिक फीचर देगा और आपको पता लगाना होगा कि कौन सा किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अगर फिट रहा तो पेपर करना आसान हो जाएगा आपके। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, एक बार दो बार अंडरस्टैंड हो गई तो आपको कोई घबराहट नहीं महसूस होगी और कुछ डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट, बहुत ध्यान रखना ऑस्टिक्टिस और कॉन्ट्रिक्टिस, आपको मैथ का फॉरिंग में भी क्वेश्चन कई बार मिला है ऑस्टिक्टिस कॉन्ट्रिक्टिस का, और डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत मिला है। हिप्पोकैम्पस का केस भी ध्यान रखना, हिप्पोकैम्पस बाकी सब में जैसे आप देखते हो कि फीमेल पेरेंट शो करती है लेकिन हिप्पोकैम्पस में मेल पेरेंटल केयर शो करता है फॉर द चिल्ड्रन, तो फॉर अपकमिंग जनरेशन बेसिकली नॉट द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक केस दे रखा है, फिर आपको क्लास्पर का केस दे रखा है, ये आपका जो क्लास्पर का केस है ये आपका उसका है, दैट इज फॉर यू कैन से दैट शार्क एंड ऑल, तो शार्क के नीचे क्लास पर पाया जाता है स्पून लाइक स्ट्रक्चर जिससे स्पर्म डिलीवरी करती है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स और पॉइजन स्टिंग का एग्जांपल जो दे रखा है ट्राइगोन और टेरिपेडो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपको एग्जांपल्स बहुत ध्यान रखने हैं मरीन फिश और फ्रेश वाटर, क्योंकि यहां से कॉन्टेस्ट क्वेश्चन जो जुड़ेगा वो चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12 से जुड़ेगा, तो वहां पे आपको बहुत क्लियर रखना है क्योंकि वहां फिशेज का केस दे रखा है और यहां पे मरीन और फिशेज और आपके जो फिशेज हैं उनका केस एक्सेप्शन किया है, तो कौन सी खाते हैं कौन सी नहीं खाते, एडिबल नॉन एडिबल वहाँ दिया है, मरीन और फ्रेश वाटर यहाँ दिया है, और डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ सकता है मार्क करने के लिए या चुनने के लिए। एम्फीबिया में एक ही सिलेमेंडर का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, और एक इस्तोफियस दैट इज लिम्बलेंस एम्फीबियंस, ये दो केस आपका बहुत ध्यान रखना। सिलेमेंडर की शक्ल छोटा भैया लिजर्ड जैसी है लेकिन वो एम्फीबिया है, थोड़ा सा ये फिगर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन रखना, इसलिए एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पेज पे आपको कोई भी आपको मतलब लिजर्ड का केस नहीं दे रखा है, यहीं पे सबको दे रखा है, और अगर फिगर आ रही है लिजर्ड जैसी तो वो एम्फीबिया ही है आपके केस में और कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है अभी। नेक्स्ट इज इनके केस में क्लोइका पाया जाता है, क्लोइका की ओपनिंग एक ही ट्रैक है, यूरिन भी निकलेगा एक ही ट्रैक है, एनस भी निकलेगी एक ही ट्रैक है, स्पर्म भी निकलेगी या जेनेटिकल आपके जो गैमेट्स हैं वो भी निकलेंगे। फिर कॉर्डोडाइल फोर चैम्बर्ड हार्ट, बाकी सब में थ्री चैम्बर्ड, लाइन इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्नेक्स जरूर याद रखना, पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स का केस, तो यहाँ पे जो केस दे रखे हैं ये पॉइजनस के हैं,
इसको छोड़ के अभी एनसीईआरटी नॉन पॉइजनस ही कंसीडर करेगी, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना क्योंकि वो बाहर से आपको फंसाएंगे नहीं। नेक्स्ट इज एव्स। एव्स के केस में आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद था तो मैंने डाला था, दैट इज एक ऐसी उसका लाइफ स्पैन बताओ, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में दे रखे लाइफ स्पैन, और जो बर्ड ह्यूमन की तरह बोल सकती है। तो आंसर था आपका जो केस था दैट इज फॉर पैरट, और पैरट का लाइफ स्पैन एनसीईआरटी ने वहां पे यूज किया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको फ्रेम करना है कि इधर का चैप्टर इधर का कैसे कोरिलेट कर रहा है, दिस इज अ बेसिक रैंक दैट इज टू बी गिवन। फाइन, तो इस तरीके का इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखना। richest blood पाया जाता है, पढ़ा चुका था एनिमल किंगडम में, that is richest blood is for apes, क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान रखना, पर RBC का काउंट इनके लिए ज्यादा होता है बाकी सबसे, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया में, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया में मूव कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको ऑर्थ्रियो का केस गिवन है, दैट इज यू कैन से ऑर्थियोकॉन्कस, दैट इज प्लैटिपस, और वो एक कंडीशन है या आप ये कहो कि एक केस है जहाँ पे एग लेइंग है, तो ऐसा कौन सा मैमल है जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है फिर भी एग ले करता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास बहुत कॉन्टेक्स्ट है। बैट से अभी कोरोना वायरस पर काफी फेमस हुआ है, बहुत नाम कमाया है, तो बहुत ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और फिर ये टेबल जहाँ पे एक केस आपको है एकाइनोडर्मेटा का केस दे रखा है, जो कि वैसे तो रेडियल सिमेट्री खुद शो करते हैं लेकिन इनके लार्वा बायलैटरल है और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो गाइस ये था पूरा चैप्टर यूनिट 6, हर यूनिट का एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन जरूर सिखाऊंगा आपको, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट लाइव सेशन, और बहुत मजे लो, एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो, कीप ब्लेसिंग विद यू, और खुश रहो हमेशा। थैंक यू।